मैं डॉक्टर रजनी रंजन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा। आज मैं जिक्र करता हूं कि हाइपोथेसिस का फीचर क्या होता है और हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह का हाइपोथेसिस होता है। तो हाइपोथेसिस के यदि फीचर की बात करें तो हाइपोथेसिस एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है थ्योरी बिल्डिंग का, साइंटिफिक इंक्वायरी का, कि जिस पे सारा थ्योरी बिल्डिंग डिपेंड करता है, कि थ्योरी का फॉर्मुलेशन कैसे होना चाहिए डिपेंड करता है कि वो रिसर्च का टाइप क्या है, वो रिसर्च क्वालिटेटिव है या वो रिसर्च क्वांटिटेटिव है, वो रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है या वो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल है या वो रिसर्च एक्सपोज्ड फैक्टो है। यानी कि रिसर्च के नेचर पे डिपेंड करता है कि हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हमें कैसे करना चाहिए। और जब एक बार हम शोध की प्रकृति का या रिसर्च के नेचर को हम समझ लेते हैं तो हमें हाइपोथेसिस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या बनना चाहिए तो किस प्रकार का हाइपोथेसिस बनना चाहिए, इसका निर्णय हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो यदि देखा जाए कि शोध में हाइपोथेसिस की विशेषता क्या होना चाहिए, जैसा कि हाइपोथेसिस का मतलब एजुकेटेड गेस है, कंजेक्चुरल स्टेटमेंट है, एक इंटेलेक्चुअल गेस है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है, यानी कि किसी भी समस्या का संभावित समाधान है, स्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है, संभावित समाधान की बात हो रही है, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होना चाहिए, ऐसे हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन नहीं करना चाहिए जिसका हम टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद ही वो थीसिस का रूप लेता है। हाइपोथेसिस को हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ऑपरेशनली लिखना चाहिए, संक्रियात्मक रूप में लिखना चाहिए, ताकि शोधकर्ता या शोधकर्ता के निष्कर्ष को जो व्यक्ति पढ़ेगा उसे पता चल जाना चाहिए कि इस हाइपोथेसिस में किस तरह के संबंधों की बात हो रही है। संबंधों का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक चरों के जो मध्य संबंध की जो बात हो रही है उसके संबंध में। इस तरह से हाइपोथेसिस को सिंपल लैंग्वेज में टेस्टेबल, पार्सिमोनियस और उसको एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ये एक बेसिक फीचर है किसी भी हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस बेसिकली यदि देखा जाए तो एक कंजेक्चुरल स्टेटमेंट है जिसके आधार पे हम हाइपोथेसिस के प्रकार का डिसीजन करते हैं। हाइपोथेसिस का ऐसा प्रकार जो कि बेसिकली हम ये मानते हैं कि इन दो चरों के मध्य संबंध हो भी सकता है और संबंध नहीं भी हो सकता है। रिसर्चर जिसको बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर सकता है, वो एक हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस है। लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं घटनाओं के मध्य जिनको हम जांच सकते हैं, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। और रिसर्च हाइपोथेसिस साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए एक बहुत ही बड़ा फंक्शनल टूल है। यदि देखा जाए रिसर्च हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस या ट्रेल हाइपोथेसिस, जिसको शोध प्राकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना कहते हैं, जिससे हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, यानी कि वो वेरीफाइबल संबंधों की बात करता है, जो टिनेबल है, जो पॉसिबल है, जिसको हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और यदि रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करें तो उसको टेस्टेबल फॉर्म में लिखने के लिए हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के रूप में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम सांख्यिकीय परिकल्पना कहते हैं। सांख्यिकीय परिकल्पना में हम बेसिकली नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं,
नल हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक संबंधों के चरों के संबंधों के बीच हम ये कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि कोई संबंध नहीं है, तो इसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल का मतलब होता है जीरो, शून्य, यानी कि जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य हम कोई संबंध की बात नहीं करते हैं, तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, टर्म से स्पष्ट है, पद से स्पष्ट है कि जब हम ये मानते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हम मानते हैं कि हमें इंटेलिजेंस और लर्निंग के बीच एक शोध करना है कि इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। लर्निंग को हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और इंटेलिजेंस को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस को एज ए आईवी और लर्निंग को एज ए डीवी हम मानते हैं, और एक शोधकर्ता इन दोनों के मध्य संबंधों का पता लगाने की कोशिश करता है। तो नल हाइपोथेसिस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम यह मानते हैं कि इंटेलिजेंस के और लर्निंग के मध्य कोई संबंध नहीं है, यानी कि इंटेलिजेंस एक चर है जो स्वतंत्र चर के रूप में, और लर्निंग एक चर है जो आश्रित चर के रूप में, और शोधकर्ता यह कहता है कि इन दोनों चरों के मध्य कोई संबंध नहीं है, यानी कि वह शून्य परिकल्पना की बात करता है। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट विपरीत हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब यह होता है कि दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध है, वो संबंध पॉजिटिव भी हो सकता है और वो संबंध नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब यह है कि जब इंटेलिजेंस की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मींस कि बुद्धि की मात्रा के बढ़ने से अधिगम की मात्रा बढ़ जाएगी या लर्निंग की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि यहां इंटेलिजेंस और लर्निंग के बीच धनात्मक संबंध की बात हो रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम यह भी कह सकते हैं, उदाहरण स्वरूप, कि हम लर्निंग और एंजाइटी के बीच संबंधों की बात करते हैं, तो एंजाइटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो एक थ्रेशहोल्ड एंजाइटी लर्निंग के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे एंजाइटी बहुत ही सीवियर होता जाता है तो स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरियरेट होता है, यानी कि यहां पर जो संबंध की बात हो रही है वो इन्वर्टेड यू की बात हो रही है, यानी कि एक मोमेंट तक, एक स्टेप तक तो एंजाइटी और लर्निंग के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है, फिर वो स्टैग्नेंट हो जाता है और फिर उस पीरियड के बाद वो डिटोरियोरेट होता है, यानी कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कभी धनात्मक संबंध भी हो सकता है और एक इंटेंसिटी के बाद वो नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक चरों के बीच हम संबंध होने की बात करते हैं तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इस तरह से हाइपोथेसिस के टाइप्स में हमने रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको वॉकिंग हाइपोथेसिस या ट्रेल हाइपोथेसिस, और रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखना होता है जिसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं, और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में बेसिकली हमने टू टाइप्स, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस का जस्ट कन्वर्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि नल हाइपोथेसिस जब डिसअप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली इसका अर्थ है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है। इस तरह साइंटिफिक इंक्वायरी को समझने के लिए हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस के टाइप्स को समझना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।